तो गाइस हमारा शिनचैन पूरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि इसके फ्रैंकिन भाई ने इसे मारने की कोशिश करी है, वो भी पानी में डुबोकर। तो इसलिए शिनचैन माइकल के पास जा रहा है ताकि वो इसे फ्रैंकिन से बचा ले। अरे गाइस यार मैं पागल था जो माइकल अंकल के घर पे आया, क्योंकि इनके घर पे भी चारों तरफ पे खून ही खून पड़ा हुआ है। यहाँ पे तो एक लाश पड़ी हुई है और इसका खून चारों तरफ पे फैला हुआ है। गाइस यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अरे गाइस यार मुझे माइकल अंकल के रूम से बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, आपको भी आ रही है क्या? एक काम करते हैं इनके रूम के अंदर ही चलते हैं। और ये क्या गाइस यार, इनके रूम में तो चारों तरफ पे खून ही खून है और ये वाली चेयर हवा में कैसे उड़ रही है? और एक सेकंड यहाँ पे तो खून की नदी बह रही है और ये वाला खून उबल क्यों रहा है? अरे नहीं गाइस यार ये चेयर के ऊपर कौन बैठा है और इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। गाइस यार मुझे यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ पे? ये कौन सा गेट है? अरे बाप रे बाप, ये मैं किसके रूम में आ गया और ये खून पड़ा हुआ है? गाइस यार ये तो माइकल की बेटी है, इसको किसने मार दिया? हे भगवान यहाँ पे क्या चल रहा है? गाइस यार मुझे माइकल अंकल के घर से जल्दी से भागना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट गाइस यार, ये माइकल की फैमिली को हुआ क्या है और इन सबको मार किसने दिया और वो ऊपर चेयर पे कौन बैठा हुआ था? गाइस यार इनका घर तो पूरा भूतिया बन चुका है। एक काम करता हूँ ये वाली गाड़ी लेके यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना मैं भी इनकी तरह मारा जाऊंगा। जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन गाइस समझने वाली बात तो ये है कि फ्रैंकलिन और माइकल की फैमिली शिनचैन को मारना क्यों चाहती है? कहीं किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया ताकि वो शिनचैन को मरवा सके? लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? तो इसी के साथ शिनचैन निकल चुका है ट्रेवर के गांव जाने के लिए। लेकिन शिनचैन एक बात भूल गया, जब फ्रैंकलिन ने इसे पानी में डुबोकर मारा था तो फ्रैंकलिन वहां से भाग गया था, इसका मतलब वो इसे दोबारा से ढूंढ के मार सकता है। अरे गाइस यार ये देखो, हमें ये वाला मैप मिल चुका है, इसका मतलब हम ट्रेवर अंकल के गांव में पहुंचने वाले हैं। बस हमें ये वाला जंगल पार करना पड़ेगा। लेकिन गाइस यार मुझे इस वाले जंगल में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और ये क्या, जिस बात का डर था वही हुआ। गाइस यार यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा खून पड़ा हुआ है। एक काम करता हूँ अपनी कार की हेडलाइट ऑन करता हूँ। अरे ये क्या, सामने में तो कोई किसी को खा रहा है और यहाँ पे नदी में भी कितनी सारी लाश पड़ी हुई है। गाइस यार यहाँ पे चल क्या रहा है? अरे देखो तो कैसे खाए जा रहा है इंसानों को। तू ये ले, तू मेरी कार से नहीं बचने वाला। गाइस यार एक काम करते हैं, जल्दी से इस वाले जंगल से भाग लेते हैं, वरना हमारा भी वही हाल होगा। अरे ट्रेवर अंकल अब कहाँ गए, मैं आ रहा हूँ। लेकिन ये क्या, जिस बात का डर था वही हुआ। फ्रैंकलिन को पता चल गया कि शिनचैन अभी तक जिंदा है और फ्रैंकलिन बहुत तेज खुंदक में आ चुका है और इसकी आंख तो पूरी तरीके से लाल हो चुकी है। लगता है कि शिनचैन अब नहीं बचने वाला और फ्रैंकलिन निकल जाता है शिनचैन को मारने के लिए। अरे वाह गाइस यार, हम तो फाइनली अपने ट्रेवर अंकल के गांव में पहुंच चुके हैं। लेकिन एक सेकंड गाइस, ये सामने में कौन खड़ा है मेरा रास्ता रोक के? गाइस यार देखने से तो मुझे फ्रैंकलिन भाई लग रहे हैं। अरे नहीं गाइस यार, ये तो अपने फ्रैंकलिन भाई है, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आ गए? अरे ये फ्रैंकलिन भाई आगे कैसे आ गए? फ्रैंकलिन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे बाप रे, ये तो मेरे कार के पास ही आ गए। गाइस यार मुझे यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। अरे गाइस यार यहाँ पे तो इतनी तेज बारिश भी आ गई और मुझे सामने का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं फ्रैंकलिन भाई वापस से ना आ जाए। और एक सेकंड गाइस यार मेरे साइड में कौन बैठा हुआ है? अरे नहीं, ये फ्रैंकलिन भाई वापस से कहाँ से आ गए? मुझे जल्दी से कार में से कूदना पड़ेगा। अरे गाइस यार भागो भागो भागो, मेरे पैर में बहुत तेज चोट लग गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि फ्रैंकलिन भाई मेरी कार में कैसे आ गए और वो मुझे कैसे बार बार ढूंढ लेते हैं। गाइस यार हमें जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा और अपने ट्रेवर अंकल के पास जाना पड़ेगा। ट्रेवर अंकल मैं आ रहा हूँ। तो गाइस अब देखना ये है कि इसके साथ क्या होता है। लेकिन शिनचैन इस बात से अनजान है कि ट्रेवर के पास जाने से इसके साथ क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो ट्रेवर के पास ही है। अरे वाह गाइस यार, आखिरकार हम ट्रेवर अंकल के घर पे पहुंच ही चुके हैं। और ये देखो, ये रहा हमारे ट्रेवर अंकल का घर। गाइस एक काम करती है, जल्दी से ट्रेवर अंकल को बुलाते हैं। ट्रेवर अंकल, अरे वो ट्रेवर अंकल कहाँ गए? अरे ये क्या, अंकल का घर का गेट तो खुला हुआ है लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। गाइस यार ये क्या हो रहा है, मेरी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। लेकिन ट्रेवर अंकल जा कहाँ सकते हैं? अरे नहीं ये क्या,
गाइस यार मेरी आंखों पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ट्रेवर अंकल के साथ माइकल भैया और फ्रैंकलिन अंकल भी खड़े हुए हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है गाइस यार, कहीं ये तीनों एक साथ मिले हुए तो नहीं है ना? अरे गाइस यार अब तो कोई ऐसा बचा ही नहीं कि जिस पे मैं विश्वास कर सकूं। लेकिन एक सेकंड, ये मेरे पीछे किसने हाथ रखा? गाइस यार मेरे पीछे कौन है? अरे नहीं, ये कौन है? लेकिन ये क्या, देखते ही देखते फ्रैंकलिन, ट्रेवर, माइकल तीनों मिलके शिनचैन को मारने लगे और बेचारा शिनचैन बस चिल्लाता रहा, तड़पाता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अरे गाइस यार कोई तो मुझे बचा लो इन तीनों से, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अरे मत मारो मुझे। अरे गाइस यार कोई तो बचा लो, ये सब मुझे मारने के बाद आग में चिल्ला रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे फ्रैंकलिन भाई क्या हो गया आपको यार, जल्दी उठो ना, मैं आपका शिनचैन भाई हूँ। अरे गाइस यार इन तीनों में से मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, लेकिन इन तीनों को हुआ क्या है गाइस, ये मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और ये क्या, देखते ही देखते ये सारे शिनचैन को एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देते हैं और चारों तरफ से आग लगा देते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि फ्रैंकलिन, माइकल, ट्रेवर के अलावा ये शिनचैन के चारों तरफ पे कौन खड़े हुए हैं जो कि इतने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि माइकल, फ्रैंकलिन, ट्रेवर से ये सारे काम यही सारे लोग करवा रहे हो? अरे गाइस यार मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इन सभी लोगों ने अपने माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन भाई के ऊपर ब्लैक मैजिक करा है और इसलिए वो तीनों मुझे इतना ज्यादा मार रहे थे। लेकिन ये क्या, लगता है कि फ्रैंकलिन फिर से अपने शिनचैन को मारने जा रहा है। लेकिन एक सेकंड, इतनी अंधेरी गुफा में से ये कौन निकल के आ रहा है? अरे ये तो अपना स्टीव है। लगता है कि इसे पता चल चुका है कि अपना शिनचैन खतरे में है और लगता है कि स्टीव बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि शिनचैन को कुछ भी हो स्टीव को गुस्सा आ जाता है। तो गाइस यार अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ गाइस, अगर आपको इस वाली सीरीज का पार्ट 3 चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।